आकर सिंह महाराज जोधपुर वाले पधारे हैं और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे बीच में वृंदावन के भी कलाकार आए हैं जो रात्रि से ही लाडो में प्रवास कर रहे हैं। हमें अभी जो है राधा कृष्ण महाराज का उद्बोधन सुनने को मिलेगा। मैं महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि वे व्यास पीठ पर विराजमान हो। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा Oh,
संत भगवान की अत्यंत अनुकंपा से श्री राधा गोविंद सरकार की कृपा से प्रभात फेरी का आनंद हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। कल मुझे जानकारी मिली थी कि चार वर्ष हो गए हैं प्रभात फेरी को चलते हुए, तो उसका वार्षिक उत्सव है, तो आप भी आइए। ऐसा मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऐसे प्रसंग का निमंत्रण मिला। और फिर उसमें और खुशबू हमारे जयपुर से आए हुए वैष्णवों ने और उसमें अभी प्रभात फेरी शुरू हुई तब भी और यहाँ भी जो उद्घोषणा कर रहे थे वे फरमा रहे थे, वहाँ भी कह रहे थे वृंदावन से पार्टी आई है उसको वो कीर्तन गाए, यहाँ भी कह रहे थे वृंदा पार्टी आई है कलाकार आए हैं वो कलाकारों ने रात को भजन सुनाए। ये ना तो कोई पार्टी आई है ना कलाकार आए, ये तो साक्षात भगवान आए हैं। ये तो हमारी समझ की बात है कि भगवान का गुणगान कौन किस भाव से गाता है, किसको कलाकार कहा जाए और किसको भक्त कहा जाए, किसको वैष्णव कहा जाए, ये हम तय नहीं कर पाते। हमारी दृष्टि में तो जो ही भजन गावे जो ही कीर्तन गावे उसको हम कलाकार बोल देते हैं, चार पांच मिल के गावे तो उसको पार्टी बोल देते हैं, क्योंकि सब जगह ही देखते हैं। लेकिन एक अर्थ के लिए गाते हैं, एक स्वार्थ के लिए गाते हैं और एक सिर्फ प्रेम के लिए गाते हैं। जो अर्थ के लिए गाते हैं, स्वार्थ के लिए गाते हैं, वो कलाकार होते हैं, वो पार्टी होती है। लेकिन जो सिर्फ भगवान के प्रेम के लिए गाते हैं, वो तो भक्त होते हैं, वो तो वैष्णव होते हैं। और हम लोग तो फिर भी भक्त और वैष्णव ही कह रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा अहंकार हमारे मन में है। लेकिन जिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चित्त में तनिक भी अहंकार नहीं था, वो तो वैष्णवेर ठाकुर कहते थे, ये वैष्णव ठाकुर आए, ऐसा नहीं कहते थे कि ये वैष्णव मनुष्य आए, ये वैष्णव ठाकुर आए। भगवान इन्हीं के तो हृदय में निवास करते हैं, मलमूत्र से तो ये शरीर का घड़ा भरा हुआ ही है, लेकिन ये जो वैष्णव है जो पग पग पे हरिनाम संकीर्तन, पग पग पे भगवान का नाम सुनाते हैं। मैं अभी रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि शायद 3-3.5 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी थोड़ा कम ज्यादा कथा सत्संग में सुनाता हूँगा, और शायद इतने घंटे ये लोग बैठ करके शायद नहीं करते हों, करते तो होंगे लेकिन शायद नहीं भी करते होंगे। जितना ज़्यादा मैं भगवान के लिए इतना इधर उधर आता जाता हूँ, समय खर्च करता हूँ, उस अनुपात में इनका समय उतना खर्च तो नहीं होता होगा। लेकिन मैंने खूब सोच करके देखा कि अनुपात भले ही थोड़ा है लेकिन प्योरिटी इन लोगों की ज़्यादा है, शुद्धि इन लोगों की ज़्यादा। इन लोगों का ध्यान तो पूरा हरिनाम संकीर्तन में था, हम तो फूल न फेंके, फोटो न ले ले, ये न कर ले, वो न कर ले, उसी में उलझे हुए थे, कहाँ जाना है, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसी में उलझे थे। लेकिन जो भक्त थे वो सिर्फ भगवान के नाम में उलझे थे। इसलिए भक्ति का जो स्वरूप है वो बड़ा दिव्य है, वो हर किसी की समझ में आता नहीं। भक्त नाम धराना आसान है लेकिन भक्ति करना आसान नहीं। लग जाएंगे भाई वो तो भगत रह गए, और तो भगत रह गए, और तो भगत रह गए, लेकिन भगत नाम धराना आसान है
लेकिन भक्ति करना आसान, अपने सब आग्रह छोड़ने पड़ते हैं, अपना स्वरूप छोड़ना पड़ता, तब जाके भक्ति होती है। तो ऐसा आनंद, ये सब जयपुर के वैष्णव आए, मुझे कल ही पता चला कि सब आने वाले हैं, तो मेरा उत्साह बढ़ गया आने का, नहीं तो मैं फिर भी थोड़ा कर लेता हूँ ऊंचा नीचा, जोर आता है मुझे भी, लेकिन बोले कि नहीं जयपुर से सब आए हैं, तो मेरा उत्साह बढ़ा। और मेरी इच्छा भी थी मैं लाडनू आऊँ, मैं बहुत सालों पहले एक बार जैन विश्व भारती में एक बार आया था, उसके बाद मैं कोई काम पड़ा नहीं इधर आने का, लेकिन मन था कि एक बार आऊँ, बहुत इस नगरी के बारे में सुना था, आज आप सब लोगों के ऐसे भक्ति भाव के दर्शन किए, यहाँ के प्राचीन सुंदर मंदिरों के दर्शन किए, तो सब देख करके लगा कि लाडनू लाडनू नहीं वृंदावन जैसा ही है, अयोध्या जैसा ही है। और भगवान का नाम संकीर्तन धाम बनाता है। खूब प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्षों से यह हरिनाम संकीर्तन की फेरी चल रही है, आगे भी चलती रहे, हमेशा चलती रहे। जो लोग नित्य नहीं आते हैं वे लोग भी नित्य आना प्रारंभ करें। प्रभात फेरी तो भाई देखिए विश्व की निस्वार्थ सेवा है, इसमें तो ये किसी प्रभात फेरी कोई संस्था नहीं है, यह तो संस्था नहीं है कि जिसका कोई अध्यक्ष हो कोई सचिव हो, क्योंकि इसमें ना तो कोई संपत्ति होती, कोई संपत्ति हो तो उसको संभालने के लिए कमेटी की जरूरत हो, ना तो इसमें कोई संपत्ति होती है और ना ही इसमें कोई दूसरी चीज है, कोई फंड नहीं, कोई फंड है क्या प्रभात फेरी का कि 2-5 लाख जमा किए हुए संभालने के लिए कमेटी? हाँ, इसमें तो तुरंत दान माँ कल्याण, आइए कीर्तन करिए और अपने घर जाइए, बस इसी में सब कुछ है। प्रभात फेरी का मालिक, प्रभात फेरी का धनी कोई नहीं है भाई, प्रभात फेरी का धनी सिर्फ भगवान है और भगवान का नाम है। कई लोग कहते हैं कि कोई भी संस्था चलानी हो तो उसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मैन पावर, एक मनी पावर। क्यों भाई? या तो मैन पावर होना चाहिए या मनी पावर होना चाहिए, लेकिन प्रभात फेरी के पास तो दोनों ही नहीं। मैन भी कभी आते हैं, मैन कम आते हैं, वुमेन ज्यादा आती तो ना तो मैन पावर है ना मनी पावर है, सिर्फ हरि नाम का पावर है जिसके बल पर यहाँ प्रभात फेरी का नाम। कभी भी हम लोगों को अपने लिए इस प्रकार का कोई क्रम नहीं रखना चाहिए कि हम लोग प्रभात फेरी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं तो लोग हमारे ऊपर फूल बरसाएं। ध्यान दीजिए, हम जो कर रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। अगर हम जगत से सब ये लेते रहेंगे, सम्मान लेते रहेंगे, जगत से फूल बरसवाते रहेंगे तो ठाकुर जी कब लाड करेंगे? ठाकुर जी कब लाड करेंगे बताइए? हमको तो इंतजार करना था कि खूब आनंद से फेरी करें और जैसे ही अकेले में जाएं कि राधा गोविंद भगवान आके पीठ थपथपाए, वाह प्यारे बहुत बढ़िया। लेकिन जगत से सम्मान की अपेक्षा जब कर ली जाती है, जगत में जब अपनी शोभा दिखाने की इच्छा हो जाती है तो फिर वो सुख नहीं मिलता है, वो सुख नहीं मिलता है। मैं एक कहानी कथा बहुत बार सुनाता हूँ। एक बार लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई, कि भाई राम जी का युद्ध हुआ रावण के साथ, राम जी 14 साल वनवास रहे, तो इतना सब ठाकुर जी ने किया, राम जी ने किया, तो उसके लिए जिन लोगों ने किया उनका सम्मान होना चाहिए। जी का खपिया लाई 14 बरस लारे लारे, उन सबका सम्मान होना चाहिए। तो राम जी ने कहा जरूर करो सम्मान, कोई आपत्ति नहीं है। भगवान ने कहा पहले सूची बनाओ किन किन का सम्मान होना है। तो लक्ष्मण जी ने सूची बनाई। अब आप समझ सकते कि सूची में पहला नाम किसका होगा, बताओ?
जोर से बोलिए, हनुमान जी का नाम सबसे पहले वो ही था। राम जी ने सूची देखी, जैसे ही ऊपर हनुमान जी का नाम देखा भगवान ने काट दिया। लक्ष्मण जी ने कहा ये नाम क्यों आपने काट दिया? बोले ये सम्मान के योग्य नहीं। बोले इनके बिना तो सम्मान समारोह ही बेकार है। सबसे ज्यादा मेहनत ही करी इन्होंने, पूंछ जलाई इन्होंने, समुद्र लंघन किया इन्होंने, संजीवन बूटी लाई, ये सब कुछ करा तो इन्होंने ही। इन्हीं का नहीं हो तो फिर बाकी तो सब इनके चेले चपाटी। भगवान ने कहा नहीं लखन, कल ही मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि किसी किसी की सेवा इतनी दिव्य होती है कि उसका सम्मान नहीं किया जा सकता, उसका सम्मान करना ही उसको कुमला देना, उसका सम्मान करना ही उसको कुमला देना। जैसे गुलाब का फूल डाली पर जितना सुकुमार होता है, उसको हम सोच गुलाब के फूल को महत्व तो देकर उसको माला में पिरो लें तो थोड़ी देर में ही वो कुमला जाए। कृपानाथ ये भक्त लोग भी ऐसे गुलाब के फूल की तरह होते हैं, इनका साथ दो तो ये खुश हो जाते हैं और इनका सम्मान करो तो ये कुमला जाते हैं। तो राम जी ने कहा नहीं हनुमान जी का तो नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कैसे? राम जी ने कहा कि हनुमान ने जो सेवा करी है उस सेवा के बराबरी का कोई सम्मान हो तो बता, उस सेवा के बराबरी का कोई सम्मान हो तो बता। लक्ष्मण जी ने कहा वो तो नहीं, तो फिर रहते। सम्मान समारोह शुरू हुआ। लक्ष्मण जी घोषणा करने लगे भाई जो जिसने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया उन सबका सम्मान किया जाएगा, जिसके बिना राम जी जीत ही नहीं सकते थे, जिसके बिना जानकी जी को लेकर के ही नहीं आ सकते थे, सबसे ज्यादा जिन्होंने किया उनको मैं बुला रहा हूँ। सब बोले हनुमान जी, हनुमान जी। लेकिन उन्होंने बोला सुग्रीव जी महाराज। सबने कहा राजा का नाम तो पहले लेना ही पड़ता है, इसलिए बोला है, कोई बात। फिर कहा जिसने रावण की लंका में हनुमान राम जी का डंका बजा दिया, झंडा लहरा दिया, ऐसे बोले अब तो हनुमान जी नहीं सकते थे, उनको बुला रहे अब तो हनुमान जी नल नील। अरे तो चेला है हनुमान जी के, विभीषण को बुलाया, सबको बुलाया हनुमान जी का। और हनुमान जी को का सबसे ज्यादा मेहनत आपने की, आपका नाम ही नहीं ले रहे। सब दौड़ भाग तो आपकी थी, सबको जोड़ने का काम तो आपने किया, कूद फान सब आपने की, और आपका नाम ही नहीं ले रहे। बताओ विभीषण बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ये क्या ये नल नील, ये अंगद, ये सब तो आपके चेले जैसे आप ही से सीखे, इनका सम्मान हो रहा है, आपको एकदम ऐसे कर रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। हनुमान जी ने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है तो कौन कह रहा अच्छा लगा, बैठे रहो। नहीं 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 ऐसे थोड़ी हो सकता, शायद लिस्ट में नाम भूल गए, मैं जाके बताता हूँ। कुछ कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम में बहुत ज्यादा काम करते हैं और फिर उनका सम्मान नहीं होता या कोई उनका नाम भूल जाते हैं तो आसपास वाले उनको उचकाते हैं, यार तू 7 दिन दुकान बंद कर बैठे, अगर नाम ही नहीं आता, वाह वाह बेकारी कर, अरे तुमने इतना कितनी दौड़ भाग, सुबह निकलता श्याम रहा होता पूछे बने बात कोई खाली मुंडो बताओ ने आओ तो हमारे सर्टिफिकेट दे दिया है नाम। लेकिन जो समझदार कार्यकर्ता था तो समझ जाता है, और हल्का फुल्का वो उछक जाता है, ऐसे थोड़ी कैसे आपका रहा। हनुमान जी ने कहा प्यारे विभीषण ये जो सम्मान हो रहा है सब मेरा ही हो रहा है। अरे राम जी किसी को हार दे रहे हैं, किसी को मुकुट दे रहे हैं, किसी को पीतांबर दे रहे हैं, आपका सम्मान होता तो आपको भी कुछ मिलता है। तब श्री हनुमंत लाल जी ने कहा कि विभीषण ये सारा सम्मान मेरा हो रहा, क्योंकि तू देख राम जी किसी को हार दे रहे हैं, किसी को मुकुट दे रहे हैं, किसी को पीतांबर दे रहे हैं, किसी को कड़ा दे रहे हैं, किसी को अंगूठी दे रहे हैं, लेकिन मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बस यही मेरा मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बस यही मेरा सम्मान है। इसलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों का सबसे बड़ा यही सम्मान है कि हमको कीर्तन करता देखकर संत मुस्कुराए, भक्त मुस्कुराए, ठाकुर जी मुस्कुराए। हमारे वृंदावन में कोकिल साईं का मंदिर है, भक्तराज कोकिल साईं, जो सीता जी और श्री जानकी जी और राम जी के मध्य में सखी बन के काम करते थे। क्या काम करते थे? जब सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में थी और राम जी अयोध्या में थे
तो सीता जी के वियोग में राम जी दुखी थे, राम जी के वियोग में सीता जी दुखी थी, तो वो बीच में सहचरी बन के राम जी का संदेश जानकी जी को सुनाते थे, जानकी जी का संदेश राम जी को सुनाते, दोनों का वियोग कम करने के लिए वो बीच में ये काम करते, इस भाव से वो रहते थे, इस भाव से उनकी भक्ति थी। कोकिल साईं उनको कहते हैं, साईं अम्मा भी बोलते हैं वहां पर वृंदावन में, स्नेह बिहारी जी मंदिर के सामने उनका स्थान है, पवित्र स्थान। तो उन्होंने एक बड़ी परंपरा चलाई कि उनके यहाँ जब संत आते हैं और उनको जब भोजन कराते हैं तो एक आदमी खड़ा होकर उनको चुटकुले सुनाते हैं, विनोद प्रसंग सुनाते हैं। संत जीवते जाएंगे, उनको विनोद प्रसंग सुनाते जाएंगे, एक बार ऐसा हुआ, यूं हुआ, यूं हुआ। तो किसी ने पूछा कि ये क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि संत हंसे तो ठाकुर जी फंसे। ये हम लोगों का विधान है, हम लोगों को हमारे साईं ने सिखाया कि संत हंसे तो ठाकुर जी फंसे। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अपना सबसे बड़ा सम्मान तो कि हमारे संकीर्तन को देखकर, हमारी सेवा को देखकर संत प्रसन्न हो जाएं, वे मुस्कुराएं। ये भक्त, अब जैसे कोई फूल फेंकता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन बुरा क्या लगता है, क्योंकि जो फूल फेंक रहे हैं, जो भक्त हैं, उनका दर्शन नहीं हो पाता। और जिस समय जो प्रभात फेरी का दर्शन कर रहे, इतने वो हो रहे हैं, मेरा मन रहता है कि मैं उनको देखूं, अब वो कोई प्रणाम भी कर रहे हैं, उधर से कोई फूल फेंक रहा है, तो मैं उनके प्रणाम का भी उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि मुंड ऊंचा करो नहीं तो दब। इसलिए भक्त मुस्कुराएं, ठाकुर जी मुस्कुराएं, संत मुस्कुराएं, ये अपना सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये अपना सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। हम लोग जो ये प्रभात फेरी कर रहे हैं, इस प्रभात फेरी के संस्थापक कौन है? इस प्रभात फेरी के संस्थापक हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने सबसे पहले प्रभात फेरी शुरू करी, सबसे पहले प्रभात फेरी चलाने वाले श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी महाराज ने कैसे करी, पूज्य श्री बरसाने वाले श्री रमेश बाबा जी के मुख से सुनी हुई बात है। बाबा ने बताया, प्रकट होकर भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, और उसके बाद भगवान नृसिंह ने सोचा कि ये प्रहलाद अब अकेला रह गया, अब ये बेचारे का मन लगेगा कि नहीं लगेगा। श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि तू मेरे साथ वैकुंठ चल, मैं तुझे वैकुंठ ले जाता हूं। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान इतना बढ़िया प्रस्ताव कौन छोड़ेगा, भगवान खुद अपने साथ ले जाए, प्रधानमंत्री जी खुद आ जाए कि चलो मैं तुमको प्रधानमंत्री निवास पर ले जाऊं, तो कौन छोड़े, अगर फोटोवास से ही मरा ना तो हाथ पकड़ के अगर ले जाए तो उसमें कौन पीछे रहेगा, बताइए। फोटो का भी निषेध, जो मैं सेल्फी का निषेध करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि इस प्रकृति के, इस प्रवृत्ति के कारण हमारे देश में कई दुर्घटनाएं घट रही हैं। कल ही अखबार में मैंने पढ़ा था, एक कोई आंध्र प्रदेश के नेता हैं, उनको एयरपोर्ट पर किसी ने सेल्फी की, उन्होंने मना किया तो उनको उसके ऊपर उन्होंने कुछ वार कर दिया। अभी हमारे गंगानगर में, श्री गंगानगर में वो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां होती है एक्सीलेटर, उस पर एक माताजी चल रही थी, उनके गोदी में 10 महीने की बालिका थी, माताजी के सेल्फी लेने की मन में आई, सेल्फी ली, उस चक्कर में हाथ में से वो छोरी निकल गई, और उसको कितना हुआ वो आप मैं कह नहीं सकता, क्या काम आया ये आदत। सूरत के अंदर पति पत्नी गार्डन में बैठे थे, ये सेल्फी में रह गए, उनका एक बच्चा था वो सामने तालाब में जाके गिर गए, अब उस बच्चे की क्या गलती थी, वो तो अबोध है, माई तने होना चाहिए अगर फोटो में टापर जाए, लेकिन वो नहीं ध्यान। अब आप लोग इतना दिव्य हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, उस संकीर्तन में रस नहीं लेना है, फोटो में रस लेना, ये इसलिए मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, तो सोचना चाहिए कृपा। तो भगवान खुद कह रहे हैं श्री प्रहलाद जी को कि चलो मैं तुमको वैकुंठ ले जाऊं, तो कौन इस मौके को छोड़े। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभो मैं स्वार्थी भक्त नहीं, प्रभो मैं स्वार्थी भक्त नहीं हूं, क्योंकि मेरे ये जो बंधु बांधव हैं, इनको तो पता ही नहीं कि इनका कल्याण कैसे होगा, ये तो विषय भोगों में पड़े जा रहे, और मैं अकेला चला जाऊं, नहीं, मैं इन सबको लेके आऊंगा। अरे भगवान ने कहा, ये सब राक्षस हैं, इन सबको तू कैसे लेके आएगा। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ये सब तो राक्षस हैं, लेकिन जितनी
राक्षसता इनके अंदर नहीं है, उससे भी ज्यादा कृपालुता आपके नाम में। संत कहते हैं कि 1 करोड़ जन्म लेकर आदमी इतने पाप नहीं कर सकता। परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुंदर जी महाराज जी की कई भी बात है कि 1 करोड़ जन्म लेकर आदमी इतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य एक भगवान नाम में। हाथ जोड़ जोड़ के कहूंगा भाई हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो। ऐसा अभी रास्ते में शहर के काजी जी आए थे तो उनको देखकर मुझे हरिदास ठाकुर याद आ गए। मेरा मन तो क्या उनको भी पकड़ के कहूं कि हरि बोल दीजिए आप भी, हरि नाम बोल, लेकिन उनका स्मरण हुआ। बाकी काजी जी का किस बात के लिए धन्यवाद करूं पता नहीं, लेकिन उन्होंने आके हरिदास ठाकुर की याद दिलाई, इसके लिए मैं उनका। हरिदास ठाकुर जो मुसलमान शरीर से थे लेकिन भगवान के भक्त हो गए। अब कुछ पता नहीं चलता ये तो ठाकुर जी किसको दीवाना बना दे। वो ठाकुर जी के प्रेमी हो गए, काजी ने उनको पकड़ लिया, बोले तू कैसे हरिबोल कर रहा है, और उनको पकड़ करके उनको कोड़ों से पीटना शुरू किया कि ये हरी बोलना बंद कर नहीं तो तेरी धुनाई होगी। और कोड़े पीटे जा रहे और बोलेगा हरी, ले बोल हरी, ले और बोलेगा हरी, और हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा तुझे हम इतना पीट रहे तुझे लगती नहीं, बोले किसको लगे, मुझे तो सुख मिल रहा, किस बात का सुख बोल मिल रहा, बोले मुझे पीटने के बहाने से ही सही तुम्हारे मुंह से हरिनाम तो निकल। मामा जी महाराज पद गाते थे, चाहे लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उच्चारो, भले लाखों कोड़े मारो पर हरि बोलते, ऐसे हरिदास ठाकुर का मुझे स्मरण हो गया था। तो प्रहलाद जी ने कहा मैं सबको घूम घूम के कहूंगा हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, नारायण बोलो, नारायण बोलो। भगवान ने कहा ये नहीं बोलेंगे फिर क्या करेगा, बोले फिर मैं सुबह सुबह अकेला गलियों में अकेले घूमूंगा जोर जोर से नाम लेते हुए। बोले उससे क्या होगा, बोले मैं गलियों में जब नाम लेते हुए घूमूंगा तो मेरे नगर के लोग अपने घरों से निकल के आएंगे कि हमारे राजा को क्या पागलपन सूझ गया है जो सुबह सुबह सड़क पर इतना चिल्लाते हुए घूम रहा है, तो ये मुझे देखने के लिए घर से बाहर आएंगे, और जब देखने के लिए घर से बाहर आएंगे तो इनकी नजर मुझे देखेगी पर इनके कानों में आपका नाम झट से प्रवेश कर जाएगा, और आपका मंगल में नाम इनके कान में से प्रवेश भी कर गया तो इनका खाता तो खुल जाए, फिर बाद में ये जमा कुछ कराए ना कराए खाता तो खुल जाए। बैंक होती ना, बैंक एक योजना चलाती है कि आप जितने लोगों के खाते खुलवाओगे उतना आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन बैंक की शर्त होती है कि खातों में जिनका खाता खुलवाया है वो उन खातों में कम से कम इतनी रकम जमा हो तो आपको कमीशन मिलेगा, नहीं तो खाली खाते 500 रुपए खुलवाने से कोई वो नहीं मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी की व्यवस्था ऐसी कि आपके कारण किसी ने एक हरिनाम बोल दिया, एक हरिनाम सुन लिया, उसका खाता खुल गया, वो आगे कभी लेवे या ना लेवे ठाकुर जी आपको कमीशन जरूर दे। इसलिए ये जो सुबह सुबह प्रभात फेरी वाले निकलते हैं ये सबके खाते खुलवाते, सबका खाता खुल जाता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु ये सब जीवित हैं, इनके भी प्राण हैं, लेकिन इन बेचारों की मजबूरी क्या है कि अपने मुंह से अपना कल्याण करने के लिए भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो आप लोग जो प्रभात फेरी करते हैं वो प्रभात फेरी का जो नाम है वो उनको मिलता है, ऐसी पूरे दिन भर में नहीं होती है, लेकिन उस समय हम नींद लेते हैं तो वो हवा हमको मिलती है। इसलिए प्रातः काल की प्रभात फेरी स्वस्थ भी करती है, आरोग्य भी प्रदान करती है, और कितने जीवों का भला होता है। रोज रुपयों को कोई बांट नहीं सकता, रोज अनाज कोई नहीं बांट सकता, लेकिन हरिनाम तो रोज बांट सकते, और ये सबसे बड़ा दान है। और इसका मुंह का आशीर्वाद मिलता है, एक तो बोल के आशीर्वाद मिलता है, एक मौन आशीर्वाद मिलता है। बोल के आशीर्वाद के बजाय भी मौन आशीर्वाद की महिमा ज्यादा थी। पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी ये सब मौन आशीर्वाद देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रभात फेरी की अभियान को बल दिया, उन्होंने तो और कुछ किया ही नहीं, बस हरिनाम को ही सर्वस्व बताया, न कोई ग्रंथ लिखे न कोई और, बस हरिनाम हरिनाम हरिनाम। इसलिए ये प्रभात फेरी की सेवा बहुत बड़ी सेवा है।
आप लोग भाग्यशाली हैं, 4 साल से कर रहे हैं और भी करते रहे, और जो लोग नियमित नहीं आते हैं वो मेहरबानी करके रोज आना शुरू कर, कुछ नहीं तो सप्ताह में एक दिन कम से कम आइए, आकर के इसका आनंद लीजिए। ये आनंद करने से ही पता चलता है। दो प्रकार की चीज होती है, एक करने से सामने पता चलता है। आप किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर बन जाएंगे तो थोड़े 2 साल उस पार्टी में काम करेंगे तो पार्टी आपको या तो मंडल अध्यक्ष बना देगी, कहीं नगर पालिका में बना देगी, कहीं कोई विभाग का अध्यक्ष बना देगी, तो सबको समझेगा हाँ भाई ये पार्टी में काम कर रहे थे, वो इनको मिला। लेकिन प्रभात फेरी में तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ जो कुछ मिल रहा है वो यहाँ पर है नहीं, जो है सो अंदर है, और क्या बनेंगे वो तो ऊपर जाने पर ही पता चलेगा महाराज, वो तो वहां जाने पर ही ठाकुर जी जो प्रदान करेंगे उससे पता चलेगा। इसलिए भाई मेरी आप सबके चरणों में प्रार्थना, खूब प्रेम से आप करें। मुझे बड़ा आनंद हुआ आप सब लोगों का दर्शन करके, आप लोगों की प्रभात फेरी में शामिल होके, मेरे कारण मेरे आने से कोई आपके क्रम में कम ज्यादा हुआ हो, कोई बाधा पड़ी हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और आप सबको बार बार मन तो बहुत हो रहा है कि आपको और हरिनाम की महिमा सुनाओ और भगवान के नाम की महिमा सुनाओ। सामने समर्थ गुरु रामदास जी का चित्र लगा है, उसको देख करके मुझे उनकी जीवन की घटना याद आ रही है। एक दिन उन्होंने सब भक्तों को कहा कि विशुद्ध सत्संग करेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो पूरा गांव उमड़ पड़ा, भाई आज तो भगवान ने प्रगटाएंगे। और उन्होंने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम कीर्तन शुरू किया, 15 मिनट किया, आधा घंटा के लोग बोले आज महाराज प्रवचन देणो बोलगा, कीर्तन ही कीर्तन कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे उठ के चले गए, सब चले गए, राम जी प्रकट हुए। बोल समर्थ कैसे याद किया, बोले महाराज सब भक्तों को दर्शन दे दो, बोले भगत है घटे खून में हाँ। सब घर गए, वाह भाई। अगले दिन सब आए, बोले महाराज आपने कहा था विशुद्ध सत्संग करेंगे भगवान प्रकट होंगे, भगवान तो प्रकटे ही नहीं। समर्थ जी ने कहा तुम रुके थे क्या, बोले आप प्रवचन देना भूल गए थे इसलिए हम घर चले गए। समर्थ गुरु रामदास ने कहा प्यारे हरि नाम ही सबसे विशुद्ध सत्संग है, प्रवचन में तो कुछ ना कुछ मिलाया जा सकता है लेकिन हरि नाम में तो कुछ नहीं मिलाया जा सकता है, तो हरि नाम ही सबसे विशुद्ध सत्संग। इसलिए भाई इस हरि नाम सत्संग को खूब प्रेम से लीजिए। सर्दी के दिनों में व्यक्ति लड्डू खाते हैं, हमारे राजस्थान में तो खास परंपरा सर्दी में लड्डू खाने की, शरीर को बहुत ताकत मिलती है सर्दी में लड्डू खाने से, और वो सुबह सुबह ही खाना पड़ता है। ध्यान दीजिए जैसे सर्दी में खाया हुआ लड्डू दिन भर आदमी के शरीर को ताकत देता है, ऐसे ही सुबह सुबह की ये प्रभात फेरी दिन भर व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है, भगवान की कृपा का बल प्रदान करती है। इसलिए खूब प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करें। काशी में जो मरता उसकी मुक्ति हो जाती, क्यों? क्योंकि शंकर भगवान काशी की गलियों में घूम घूम के सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाल के सबको हरिनाम सुनाते हैं। अयोध्या में हनुमान जी महाराज सुबह सुबह हरिनाम की फेरी निकालते हैं, तो हम अपने लाडनू को भी अयोध्या बनाएं, काशी बनाएं, वृंदावन बनाएं, और रोज यहाँ की गलियों को भगवान के नाम से धन्य करे। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की एक बात कह के अपना विषय पूरा करूंगा। श्रीमद आदि पुराण कहता है, विष्णु पुराण कहता है, जब भगवान के भक्त कीर्तन करते हुए चलते हैं तो उनके वो जितनी जमीन पर चलते हैं उतनी भूमि के नीचे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। वे चलते समय वो जिधर जिधर उनकी दृष्टि जाती है तो वो उस दिशाओं के दोष समाप्त हो जाते हैं, और हाथ उठाकर जब कीर्तन करते हैं तो वायुमंडल में जितने भी जीव भटक रहे हैं जिनकी सदगति नहीं हुई है उन सब की सदगति हो जाती है।